Okay, so last day we have done up to 15. Okay. Page number 7 up to 15 we have done. Okay, 16 aaya hai. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन एलिफैटिक सैचुरेटेड एमाइन. अगेन नितेश, जो लोग रेज हैंड रेज करें. सर आपकी आवाज कट रही है. जो लोग हैंड रेज करेंगे वो मुझे दिखाई देगा क्या? नहीं, वो इधर दिखाई देगा, या तो फिर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ. अच्छा, वो है क्या? ऑप्शन है वो? हाँ है, वो ऑप्शन है. हाँ तो कर लो फिर. ओके, 16 आया है. सर डाउट है. सर वो रेजोनेंस की वजह से होता है ना? लेट मी रीड द क्वेश्चन. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन एलिफैटिक सैचुरेटेड अमाइंस आर लॉन्गर देन सेम इन एलिनिन. हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ. अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा. एलिफैटिक में मतलब तुम्हारा ये हो गया. सर वही नहीं पता हूँ एलिफैटिक क्या रहता है. एलिफैटिक मतलब अनसैचुरेटेड. एरोमेटिक मतलब तुमको एनिलीन हो गया. एलिफैटिक ओपन चेन ऐसा नहीं बोल सकते क्या सर कि वो अनसैचुरेटेड ओपन चेन होते हैं? ये हो गया एरोमेटिक. ये एलिफैटिक किस तरह भी हो सकता है. सैचुरेटेड वन, ठीक है ना? सर नॉन एरोमेटिक को एलिफैटिक बोल सकते हैं क्या? नॉन एरोमेटिक को नहीं, सैचुरेटेड को बोलते हैं. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ना एलिफैटिक सैचुरेटेड अमाइंस बोल रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कितने हैं. अच्छा, मतलब एलिफैटिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसके लिए हम एलिफैटिक वर्ड यूज करते हैं. लेकिन एलिफैटिक अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, एलिफैटिक सैचुरेटेड भी, ठीक है? तो यहाँ पे एलिफैटिक सैचुरेटेड बोल रहे हैं, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड. हेलो. हाँ सर. बस रेजोनेंस होगा कि बाकी के सर आई इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे उसमें कि बस रेजोनेंस. तो इसमें आई इफेक्ट कहाँ से? इसमें तो रेजोनेंस ही होगा ना. नाइट्रोजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड. नहीं ना सर, NH2 में माइनस आई इफेक्ट होगा ना. तो माइनस आई इफेक्ट से क्या हम लोग करेंगे चेक? बॉन्ड लेंथ के लिए M इफेक्ट में किया था हम लोगों ने ना. इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में उन्होंने किया था. बॉन्ड लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज होता है. आई इफेक्ट से उन्होंने बॉन्ड लेंथ पे किया नहीं था. देखो एक बार नोट्स में, आई इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ. एम इफेक्ट और एच इफेक्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द बॉन्ड लेंथ. ठीक है, ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट इज 17.
आया सर अभी आ जाएगा 16 जैसे ही होगी। सर, वो नहीं आया है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन एनिलीन इज शॉर्टर देन सेम इन एलिफैटिक अमाइन बट लॉन्गर देन इन अमाइड। तो फर्स्ट तो आ जाएगा ना, अमाइन में रेजोनेंस है ही नहीं, एलिफैटिक में अमाइड। ऐसा तीन केस हो गया। तो इसमें तो रेजोनेंस है तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ इससे कम होगा। अभी इसमें इसमें चेक करना है, अमाइड ये हो गया। तो देखो यहां पे जो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में जो तुम्हारा यहाँ पे देखो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द ऑक्सीजन, तो ये ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बिकॉज एन और ओ ऑलमोस्ट उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास है, मतलब है अधिक, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे आर हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। एनिलीन में अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा। हेलो। हाँ सर, जब इसमें लिखोगे तो सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एनिलीन में जब तुम लिखते हो। तो ये देखो इसमें सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अमाइड में ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, so which will be contributing more, although इसके chemical form कम है, इसके अधिक है, but लेकिन इसके remaining structure में C पे negative charge आएगा, that will make it more unstable. यहाँ पे in every chemical form O पे ही negative charge आएगा, जो हम लोगों ने किया था ना phenoxide ion और acetate ion में। तो इसमें रेजोनेंस अच्छी तरह होगा, तो इसका तो इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर अधिक आ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बोलो तन्वी। हाँ सर, एनिलीन में जो ये आएगा, एनिलीन में जो हम लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म वो सिर्फ कार्बन पे आएगा एंड नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन कार्बन, सो दैट विल मेक इट मोर अनस्टेबल, ऑल्दो नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म इज मोर, बट अमाइड में कैनोनिकल फॉर्म तुम लिखोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, दैट इज मोर स्टेबल। ओके, तो नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म कम है फिर भी दैट विल बी मोर स्टेबल अमाइड, तो उसका तो वहां पे डबल बॉन्ड काफी देर तक रहेगा बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। तो इसीलिए एनिलीन का बॉन्ड लेंथ C और N का बॉन्ड लेंथ अधिक होगा एज कंपेयर टू C और N इन अमाइड। ओके, हाँ सर। 18 18 आया है सर? 8 नहीं आया सर? सर नहीं आया।
वो समझा नहीं मतलब। हाँ ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन लिबरेट्स 130 किलो जूल ऑफ हीट पर मोल व्हाइल हाइड्रोजन ऑफ दिस लिबरेट्स 260। सर वो उसमें यही है ना कि पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से मतलब उधर रेजोनेंस होगा और फिर वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मतलब कम होगा, इसलिए फिर वो उस हाइड्रोजनेशन की एनर्जी मतलब कम लगेगी वो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। याद है हम लोगों ने जो, हाँ सही तो बोल रहे, हमने हम लोगों ने जो ये किया था एरोमेटिसिटी, एक पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, इफ दिस कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजनेशन मीनिंग कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजन ऐड किया तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है 130 किलो जूल, ठीक है, तो दो को करेंगे तो कितना होना चाहिए था 260, दो पाई बॉन्ड है आना चाहिए यूनिटरी जो है मेथड उससे, हाँ सर, लेकिन उससे कम आ रहा है, तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जैसा हम लोगों ने वहां पे किया था एरोमेटिसिटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अगर रेजोनेंस किसी में होता है तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होता है, तो रेजोनेंस एनर्जी के कारण इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस देन दिस, इसमें जो एनर्जी होगा रिलीज दैट विल बी लेस देन दिस, मतलब बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो हम लोगों ने इसमें किया एवरीबॉडी एरोमेटिसिटी में किया पाई पाई कंजुकेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन रेजोनेंस, तो इसलिए एनर्जी रिलीज विल बी लेस, दिस इज मोर स्टेबल। अगेन सेकेंड वे से तुम देखो तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है उसका क्या होता है, दैट इज going to release less amount of heat of hydrogenation, less amount of heat of combustion, होता है वेदांत? हाँ सर। तो this is more stable because of pi pi conjugation, so this will release lesser than the expected amount of heat of hydrogenation। नहीं सर मैंने क्या किया था, मैंने उसको साइक्लो कंपाउंड ले लिया था और साइक्लो ब्यूटाडाइन वो एंटी एरोमेटिक होता है इसलिए मुझे डाउट था, समझा अभी। अच्छा ओके 19 19 है 20 सर 19 का आंसर क्या है? Which has greater heat of hydrogenation, vinyl amine, vinyl phosphine? Explain on the basis of resonance phenomena. Vinyl amine मतलब हो गया, vinyl मतलब हो गया this one. C2H5N ना sir? नहीं नहीं विनाइल मतलब हो गया CH2CH2CH दैट इज विनाइल, उससे अटैच NH2 दैट इज विनाइल अमाइन। दिस इज विनाइल फॉस्फीन, तो इसमें से जो अनस्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अधिक होगा। यहां पे देखो, यहां पे नाइट्रोजन फॉस्फीन
this is going to participate into resonance. This is going to participate into resonance. होगा? तो किसमें रेजोनेंस इजीली होगा? विनाइल अमाइन में. तो 2p 2p, है ना? हाँ. तो इसमें रेजोनेंस इजीली होगा तो दिस इज मोर स्टेबल. तो इसका हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम हो जाएगा. वैसे यहाँ पे हम लोग हीट ऑफ कंबशन कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दोनों अलग अलग है. यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही कंपेयर करना होगा. तो ये मोर स्टेबल हुआ तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा अमाइन का. तो विच विच हैज ग्रेटर, तो विनाइल फॉस्फिन का अधिक होगा. हाँ सर. हाँ सर समझा. 20 सर उसका आंसर क्या है? किसका? 20 का. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन? फर्स्ट फर्स्ट है. समझ में आ रहा है सबको? सही है. ये ऐसा है, ये यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लॉन्ग कंजुगेशन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. और इस कंजुगेशन में सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, चाहे इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा. तो लॉन्ग कंजुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कंजुगेशन. इसीलिए फर्स्ट का अधिक होगा. ओके. हाँ सर. हाँ सर. 21 सेकेंड आंसर है 21 का. हाँ ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है. हाँ. एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ सर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी? तो डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा, है ना? सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे एक
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस वन विल गो हियर, दिस वन विल गो हियर, हो गया ये रेजोनेंस फर्स्ट वाले में ऐसा? हाँ सर। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, विल बी मोर स्टेबल, तो रेजोनेंस विल बी लाइक दिस, अपोजिट नहीं होगा। हाँ। इसमें देखो ये भी रेजोनेंस करना चाहेगा एट द सेम टाइम नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस करना चाहेगा, बिकॉज वो भी लोन पेयर पाई कंजुकेशन है, दिख रही है? हाँ सर। इस वाले में ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस करना चाहेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस करना चाहेगा। सर तो इसमें ऐसा है क्या कि लोन पेयर पाई और पाई पाई में पाई पाई डोमिनेटिंग? नहीं, तो दिस इज नोन एज हिंड्रेंस इन रेजोनेंस। वो जब एक ही एटम पे हो तब हम लोगों ने किया था वो। हाँ सर। जब एक ही एटम पे पाई पाई हो और लोन पेयर पाई हो तो पाई पाई पार्टिसिपेट, यहाँ पे दो अलग अलग एटम है, तो दिस इज हिंड्रेंस इन रेजोनेंस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हिंड्रेंस इन रेजोनेंस। ओके सर। तो कौन सा इजी होगा रेजोनेंस, ये वाला कि ये वाला? इन दोनों में रेजोनेंस किसमें इजीली होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, इसको कोई रोक नहीं रहा, ये इजीली इसका रेजोनेंस होगा। यहाँ पे एन का लोन पेयर इसको स्टॉप कर रहा होगा, एन के सी सी डबल बॉन्ड को, तो इसमें रेजोनेंस इजीली नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड विल हैव अ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल बॉन्ड, यस डबल बॉन्ड विल बिकम अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए इसका ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड रहा, तो इसका एनर्जी अधिक होगा। हाँ सर। ट्वेंटी टू का आंसर है सी ए बी। देखो तो 22 इज सी ए बी। सर 21 में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके भी निकाल सकते हैं ना? किस तरह? मतलब सेकंड की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रही है फर्स्ट से, वो उसकी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू वन। हाँ तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर मीन्स व्हाट? मोर इज द एनर्जी। एनर्जी हाँ, तो इसे तो फिर उल्टा मतलब आ जाएगा। नहीं, उसका नहीं, लेकिन वहां पे बॉन्ड ऑर्डर में सी डबल बॉन्ड सी और सी एन का भी उसमें आ जाएगा ना, क्योंकि सी एन भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। सेकेंड वाले में बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकाला, तो किसके लिए तुमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, सीसी के लिए कि सी एन के लिए? सीसी के लिए। तो सीसी के लिए तो केमिकल फॉर्म उतना ही रहेगा ना? हाँ बराबर, जो फर्स्ट वाले में रहेगा उतना ही सेकंड में भी रहेगा। हाँ तो वो गलत हो गया। तो ये लिख के रखना सब, हिंड्रेंस इन रेजोनेंस, ये आगे भी आएगा। ट्वेंटी टू का आंसर है सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी।
सर 22 में ए ग्रेटर देन सी चाहिए ना, और फिर बी ए में एच बॉन्डिंग होगा, ऑर्थो पे है ना नाइट्रो। हाँ सर उसका नहीं, वो ए और सी का डाउट था, समझा। सर सर बी का सबसे कम कैसे आया है? मेटा पोजीशन पे है NO2। हाँ दोनों इसमें तो, हाँ तो मेटा पोजीशन में कोई ग्रुप होता है तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा, M इफेक्ट की I इफेक्ट? I इफेक्ट। तो फिर B में हाँ, सिर्फ माइनस I इफेक्ट है, A और C हाँ, में माइनस M इफेक्ट भी है। हाँ सर।